दोस्तों 3:26 अगले 4 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगा, इसी में एनालिसिस कर लेते हैं। 2000 स्टॉक भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले स्टॉक का ही कवर कर लेते हैं। मेरे को लगता है अभी फ़िलहाल आप किसी स्टॉक में बाई पोजीशन में हैं तो डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बाई करना है तो कल या मंडे को आपको मौका फिर मिलेगा बाई करने का है। आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन को ट्रेल एसएल के साथ आप एक बार अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को मार्केट वीक लग रहा है, जैसे ही मैंने आपको पिछली उसमें वीडियो में बना के बोला था, स्पेशली जब मैंने बैंक निफ्टी को देखा था। ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखा था, क्योंकि इसने 10 EMA को रिटेस्ट नहीं किया है, और जब ये सपोर्ट को तोड़ेगा ना तो ये 36,030-40 यहाँ पे इसको आना चाहिए, 36,100 ये लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी का। ठीक है, और इसको पहले मैं बैंक निफ्टी कवर कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अभी हाल फिलहाल 36,500 से लेके 36,500 तक इसका सपोर्ट लेवल है। कल आपको 36,500 के नीचे दिखना चाहिए भाई, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस है, मेरा व्यू है। मेरे को मार्केट वीक लग रहा है पर्टिकुलरली कल के डे के लिए, और यहाँ पे एक बार आना चाहिए 36,100 पे इसको, कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों विद इन ट्यूजडे ये 10 EMA रीटेस्ट होना चाहिए। निफ्टी में आज हो गया, बट निफ्टी मुझे फिर भी वीक लग रहा है। इसका आवरली चार्ट एक बार देख लेते हैं, सेम आवरली चार्ट दिखा रहा है। 36,400 इसने आके इस पर रीटेस्ट लिया है, और आवरली चार्ट भी आज ही खराब हुआ है इसका। कैसे पता लगता है, देखो आवरली चार्ट कैसे खराब हो गया आपको, मतलब कैसे पता लगे भाई, हाँ ये चार्ट अभी स्ट्रक्चर मतलब खराब तो नहीं बोलेंगे, वीक हो गया है कि स्ट्रांग है। वीक माने तो मतलब नीचे की तरफ, जब ये क्रॉस ओवर हो जाए ना 20 EMA 10 EMA और ये कल के लिए भी सस्टेन हो जाए, मतलब कल भी ये 2-3 घंटे रहे, 2 से 3 घंटे, तो आवरली चार्ट का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। और इसके बाद आती है बारी 2 आवर के चार्ट की, जो कि अभी इट इज जस्ट अबाउट टू क्रॉस इट। अभी मेरे ख्याल में कल का दिन और लग जाएगा अगर, क्योंकि एक कैंडल यहाँ बनेगी 2 घंटे की 2-3 घंटे की, तब जाके शायद क्रॉस करे, और उसमें भी नीचे आना चाहिए मार्केट, नहीं तो बराबर में चलता रहेगा। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी, 36,100 का मेरा इसका टारगेट है, और ऊपर की भी तो लेवल बता दें भैया, बने तो बाय कब बने, ये जो आ रहा है ठीक है, ये क्या लेवल है, 36,850। आप देखो ये जो हाई है ना, ये ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, इसका हाई देखना, लाइन लगा ही देता हूँ, 36,850 लेके चले। जब तक इसके ऊपर 15 मिनट दो कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, बाय नहीं है, इसके बाद ही बाय है, और फिर आपको एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना है 37,250 के लगभग अगर जाता है तो। और नीचे के मैंने आपको बता ही दिया 36,100। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, निफ्टी देवता जी क्या कर रहे हैं, निफ्टी देवता जी का आधे घंटे का चार्ट लगा के पहले देखते हैं ये रुक कहाँ रहा है। क्लोज तो हो गया है गाइस, मार्केट 120 पे आके क्लोज किया है इसने, और लास्ट के 15 मिनट की कैंडल का लो लगा है 100, और तो मतलब इन्वेस्टिंग पे देखना गाइस, इन्वेस्टिंग पे हमेशा देखना चाहिए कि लास्ट के 15 से 20 मिनट में मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम दिख जाती है आपको। और
कल क्या एक हो सकता है, आप व्यू बना सकते हैं। प्रॉपर ये चैनल फॉलो कर रहा है निफ्टी, प्रॉपर ठीक है। और एक चैनल है डाउनवर्ड चैनल, तो अगर इसमें ये ध्यान रखिए आप, पंद्रह हजार साठ इसके नीचे कल मार्केट निकलता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर गाइस वीक हो जाएगा। मतलब निकलता है मतलब सस्टेन होना चाहिए, 15-15 मिनट की दो कैंडल क्लोज होनी चाहिए 1560 के नीचे। और फिर इसका जो बहुत ही अहम मजबूत सपोर्ट है, जिसको कह सकते हैं मतलब रामबाण सपोर्ट, वो है ये, कहाँ गया ये रहा, 950 से लेके 980 का जो लेवल है गाइज, 950 से लेके 980 960 इसके बीच में जब भी मार्केट आए ना, लाइन थोड़ी मोटी हो गई है आपको वहाँ पे शॉर्ट हैं बाई में हैं, डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है डेफिनेटली। और हो सके तो अगर आप एग्रेसिव हैं तो बाई का सोचना है उस तरफ, अगर आप एग्रेसिव हैं तो 950 से 980 के बीच में। और अगर किसी कारणवश 950 के नीचे भी चला जाता है तो फिर भैया अच्छी खासी गिरावट आएगी जो इसको लेके आएगी 14,750। ये नीचे के लेवल हो गए, ऊपर के लेवल पे बात कर लेते हैं। इसी चैनल को तोड़े सस्टेन करे ठीक है, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था सस्टेन नहीं कर पाया था, दोबारा उसी चैनल में घुस गया। सस्टेन करने के लिए 15-15 मिनट की दो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें, और इस लेवल के ऊपर जब तक ना निकले 15,250 काफी दूर हो जाएगा भाई, ये है। ये भी 15,194 आ रहा है ठीक है, जब तक 15,190 के ऊपर ना निकले बाय नहीं है, 15,190 के ऊपर ना निकले बाय नहीं है। और अगर आप इसके ऊपर बाय करते हैं तो एक बार 250 के लगभग आए तो वहां जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके ऊपर भी सस्टेन करे तो फिर ये देखो निकालते कैसे हैं, देखो मैं आपको आज बता भी देता हूँ, बाकी आप ज़्यादा तो देख ही रहे हैं मैं लेवल मेरे कैसे कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट, देख ही रहे हैं। ये देखो प्रीवियसली जहाँ पे मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है ना, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा हमेशा नीचे से ऊपर जाने का। तो आप 30 मिनट का चार्ट लगाएंगे ना तो आपको पिछले एक वीक का 4-5 दिन का मूव मिलेगा आपको। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो मार्केट एक बार क्या कहते हैं ये जहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, एक तो वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, तो वो है ये, यहाँ पे आके रुका ऊपर गया यहाँ पे रुका उसने, तो ये लेवल आता है 1590, मतलब यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जब तक इसके ऊपर ना निकले तो इसका मतलब वॉल्यूम नहीं है भाई ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर निकलने दे, फिर पीछे एक टॉप लगाए, ये यहाँ लगाए, दो बार लगाए, तो इसके ऊपर निकलेगा तो इसको यहाँ तक एक बार आना चाहिए ठीक है। इसके ऊपर निकले तो फिर यहाँ तक एक बार आना चाहिए 296, इसके ऊपर निकले टू, और ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है गाइस 290 से 320 325 330 ये अगर आप बाई में हैं तो ठीक है। ये दोनों मैंने कवर कर दिया, अब स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक गाइस मैं जो खुद ट्रैक कर रहा होता हूँ वो आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई स्टॉक है जो आप जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको पक्का कवर करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आईटीसी में काफ़ी आईटीसी भी हम ट्रैक कर रहे थे। देखो आईटीसी का मैं आपको ना मेन चार्ट ट्रेडिंग बताता हूँ कैसे करनी है, इसको डेली बेसिस नहीं, इसको हमेशा पोजिशनल लेके चलो आईटीसी को, क्योंकि एक दिन तेजी दिखाएगा अगले दिन मंदी दिखा देता है, ये पता नहीं क्या इसमें है, ये पैटर्न है जो ये मैंने देखो उस दिन हेड एंड शोल्डर आपको बनाया हुआ है। इसका ब्रेकआउट हम आप वीकली कन्फर्म करिएगा, इसका ब्रेकआउट
वीकली देखना है, हमें डेली बेसिस नहीं देखना है, क्योंकि धोखा दे देता है। ठीक है, उससे पहले बाय नहीं करना है। टारगेट यही है जो मैंने आपको बता रखी है, 237 पहला, उसके बाद 242 के लगभग आता है वैसे, 242-245, 237, 240, 245 इसके अराउंड। यहाँ पे अगर और सस्टेन कर जाए तो फिर 260। ठीक है, और हम मारुति भी एक क्या कहते हैं काफ़ी उसमें देख रहे हैं, मारुति की क्लोजिंग, अरे 497। ठीक है, ये है आएगा आपका मारुति। मारुति ही खुला है ना ये, नहीं ये है मारुति। मारुति का देखो मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, कल मैं एक्चुअली इसको स्टडी कर रहा था। ठीक है गाइस, अगर ये 18,000 के ऊपर निकल के, 18,000 के 8,000 के ऊपर निकल के मेरी काफ़ी लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ मैं, 3 से 4 महीने का व्यू बता रहा हूँ, 8,000 के ऊपर निकल के अगर ये एक दो हफ्ते टिक जाता है ना, एक दो हफ्ते टिक जाता है, तो आप इसका टारगेट नोट कर लो आज। ये मैं लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि टारगेट भी फिर बड़ा ही आएगा, ये इन्वेस्टमेंट टाइप हो जाएगा। ठीक है, 7,500, ये लो कितना मारा है इसने, 4,000, 3,500 पॉइंट यहाँ से जोड़ लो आप, यहाँ से कितना 7,500 में 3,500 जोड़ोगे तो 11,000। ठीक है, 11,000 का टारगेट आएगा इसका अगर ये इसको 8,000 के ऊपर दो हफ्ते भी टिक जाता है तो, दो हफ्ते सॉरी कह रहा हूँ, एक मंथली कोई क्लोजिंग आ जाती है तो मंथली क्लोजिंग, क्योंकि इसकी हाँ ये है चार्ट, वीकली नहीं गाइस, ये जैसे ये लेवल है 7,700। ठीक है, 7,700 को एक बार इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर ये आपको भागता हुआ मिलेगा 8,900-9,100। ठीक है, और जो हम पोजिशनल इसको डेली ट्रैक कर रहे हैं वो एक जोन में है, ये इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है ना ये, बट ये क्या क्या कहते हैं थोड़ा वीक हो गया है अभी। वीक कैसे हो गया, देखो नीचे की तरफ आ गया है, नीचे की तरफ आ गया है, और इसका 20 EMA ऊपर है, 10 EMA नीचे है, और 10 EMA ने आज 50 EMA के नीचे क्लोज किया है। तो ये देखना आप, EMA नीचे की तरफ आते रहेंगे। अब ये जो रेंज है, देखो सीखने वाली बात बताता हूँ, ब्रेकआउट देने वाला है कि ब्रेकडाउन देने वाला है आप उसको भी पता कर सकते हो, टक्कर किस तरफ ज़्यादा मार रहा है। देखो इसने ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पर नीचे भी बराबर ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिधर भी ये टूटेगा ना, इतना प्रेशर बना हुआ है इस जोन में, इतना प्रेशर बना हुआ है, ऊपर 200-250 पॉइंट आराम से मिलेंगे, नीचे 200-250 पॉइंट पर आराम से मिलेंगे, बस आपको वेट करना है 7,500 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए कोई, या 7,720 के ऊपर की कोई क्लोजिंग आ जाए। ये 797-795 इसको मत मानिए आप, ये वही बराबर से ही है, 7,480 के लगभग लेके चलिए, इसके नीचे कभी 15-15 मिनट की दो कैंडल भी मिल जाए तो आप उसी दिन में खेल सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगा लो 7,500 के अंदर ही कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो, सेम आप इस रूल को यहाँ भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि भैया कल ही ऐसे चला गया तो आप तो बोलो बोलो मुझे बोलोगे कि आपने डेली क्लोजिंग बोला था, ये तो एक ही दिन में आ गया, तो इसका इलाज यही है, कल अगर 7,480 के नीचे 15-15 मिनट की दो कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो आप इसको सीधा ठोक सकते हैं 7,250 के लिए। सिंपल, ये हो गया सेफ ट्रेडर। एग्रेसिव ट्रेडर क्या करे, क्योंकि भाई एकदम से मूव आएगा, सेफ ट्रेडर पकड़ नहीं पाएगा। एग्रेसिव ट्रेडर क्या करे, 7,480 के नीचे जैसे ही जाए, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट ले लीजिए, जैसे ही जाए तो इसको ठोकना है, एसएल लगाना है 7,500 के अंदर दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए आ जाए, ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। और एग्रेसिव ट्रेडर के एसएल हिट होते हैं 10 में से 3 मिनिमम, जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पैसा भी छप्पड़ फाड़ के उनको ही मिलता है, और अभी टूटने वाला है, ये
या तो ऊपर की तरफ टूटेगा या नीचे की तरफ टूटेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कितने दिन ये रुका रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने दिन हो गए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये फेब एंड में या तो कोई ना कोई डिसाइसिव मूव देगा ही देगा विद इन दिस मंथ, ठीक है। और इसको यहाँ पे आना चाहिए, नीचे आता है तो 17,250, ऊपर जाएगा तो यहाँ जाना चाहिए 8,000 के लगभग। और हम कौन सा स्टॉक, एक स्टॉक और कवर कर देता हूँ गाइस आपके लिए जो हम ट्रैक कर रहे हो, टाटा एलेक्सी देख लो आप, 1800 पे आपको बाय दिया था, 3,000 के करीब गया था ये एक महीने के अंदर। दीपक नाइट्रेट आपको मैंने 1,000 की CMP पे दिया हुआ है, ये सब SIP स्टॉक है, 13,000। टाटा एलेक्सी का मेरा टारगेट गाइस 8 से 9,000 है विद इन वन टू टू ईयर। वो नीचे जहाँ मिले एड ऑन करते रहिए, दीपक नाइट्रेट 2,500 से 3,000 है विद इन 1 to 2 ईयर, ये ऐसे स्टॉक हैं, ठीक है। HDFC लाइफ 1500 मिलेगा आपको 1-1.5 साल के अंदर अंदर। मदरसन सुमी प्रॉफिट बुकिंग आई है गाइस 220, इसकी RSI बहुत काफ़ी हाई हो गई थी। अच्छा बस और क्या कवर करें यार, मैंने बता दिया आपको वैसे ही, मदरसन सुमी का चार्ट देख के बता देता हूँ, 230 के लगभग देखा था, काफ़ी गिरावट आ गई है वहाँ से इसमें। ये भी एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक बन चुका है मदरसन सुमी अभी। कैंडल कितनी है, 211 से लेके कितना ही बना है, 230। ये रिट्रेस कितना किया है इसने इसका, इसमें ट्रेडिंग रहने दो यार, 7,000 का लॉट है, ऊपर नीचे जाता है, हाल तो 218 के नीचे जाएगा तो 215 आपको देखना चाहिए, इसमें 218 के नीचे जाएगा तो 215 के लगभग दिखना चाहिए आपको इसमें। चलिए मैंने कहा, दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पोस्ट करता हूँ।